खजनी थाना क्षेत्र के रुद्रपुर गांव में बुधवार को लापता हुई 3 बच्चियों का शव गांव के पास पानी से भरे गड्ढे से बरामद हुआ है। गड्ढे में डूबने से बच्चियों की मौत की आशंका जताई गई है। अनुमान लगाया जा रहा है कि बच्चियों के फिसल कर गड्ढे में गिरने से हादसा हुआ। मौके पर पहुंची खजनी पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। गौरतलब है, बुधवार की दोपहर बच्चियां घर के पास बागीचे में खेलने गई थीं और तीनों बच्चियां बागीचे से लापता हो गई थीं। लापता बच्चियों की सूचना मिलने पर एसएसपी दिनेश कुमार पी ने गंभीरता दिखाते हुए बच्चियों की बरामदगी को लेकर कई थानों की पुलिस टीम को लगाया था। साथ ही सोशल मीडिया के जरिए गुमशुदा बच्चियों का पता लगाने को लेकर 25,000 का इनाम भी एसएसपी दिनेश कुमार ने घोषित किया था। काफी खोजबीन के बाद गुरुवार की सुबह तीनों बच्चियों का शव एक पानी भरे गड्ढे में उतरता दिखा, जिसे पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से बाहर निकाला। जिनकी पहचान रुद्रपुर गांव निवासी दुर्गेश की 7 वर्षीय पुत्री शिवानी, वासुदेव की 10 साल की बेटी रोशनी और दुर्गविजय की 5 साल की पुत्री नैन्सी के रूप में हुई। बच्चियों का शव मिलते ही परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था और गांव में कोहराम मच गया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह और एसएसपी दिनेश कुमार प्रभु ने बताया। रास्ते में भी पूरा ग्राम गौरापार थाना खजनी से कल 3 छोटी छोटी बच्चियां उम्र 5 वर्ष 7 वर्ष और 10 वर्ष अचानक गायब हो गई थी। परिजनों ने, ग्रामवासियों ने, पुलिस ने लगातार प्रयास किया और रात्रि में भी ये प्रयास चल रहा था, तो पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से इन तीनों बच्चियों का शव बरामद किया है। वहीं गांव से आगे बढ़ने पर एक गड्ढा जिसमें काफ़ी पानी था, उसमें से शव बरामद हो गया। प्रथम दृष्टया जैसे आशंका कर रहे थे सब लोग, बच्चियों के उस गड्ढे में फिसल जाने की बात आ रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम से मृत्यु का कारण वैज्ञानिक रूप से निर्धारित हो जाएगा और आगे की विधिक कार्यवाही की जाएगी। खजनी थाने के अंतर्गत रुद्रपुर गांव में कल सुबह 10 बजे 3 बच्चियां अपने घर से निकले थे शौच के लिए और 12 बजे के बाद परिवार वाले इनको ढूंढे, नहीं मिले तो पूरा गांव वाले मिलके चारों तरफ ढूंढे थे। लगभग शाम के वक्त पुलिस को इन लोगों ने सूचना दिया। सूचना मिलते ही तुरंत पुलिस मौके पर पहुंच गई थी। लोकल एसएचओ के साथ साथ सर्किल की पूरा फोर्स, आसपास के सभी थानाध्यक्ष मौके पर पहुंचते, खेतों में, इनके बट्टे के आसपास, बगीचों में लगातार तलाश किया जा रहा था। इसके साथ साथ हम लोगों का क्राइम ब्रांच भी लगी थी। मौके पर सभी सीनियर ऑफिसर्स भी पहुंच गए थे। रात में 2:30 बजे के आसपास गांव और ईंट के, गांव के बाहर जो ईंट के बट्टे हैं उनके बीच में कहीं गड्ढे था जिसमें पिछले दिनों हुए बारिश में काफ़ी पानी भरा हुआ था, उसी गड्ढों से तीनों बच्चियों के शव एक के ऊपर एक पड़ा हुआ बरामद किया गया है और विशेषज्ञों के पैनल से पोस्टमार्टम है तो भेजा गया है, वीडियोग्राफी भी हो रही है। गांव वालों का और वहां के मौके परिस्थिति के अनुसार जो आशंका है, ये जो कि काफ़ी गीला था ज़मीन, उसमें फिसल के गड्ढों में गिर के उनकी मौत होने की संभावना वहाँ के लोगों के द्वारा बताया जा रहा है। हालांकि हम लोग पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मौत का जो कारण पुष्टि कर पाएंगे।